बिहार में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत हुआ। लगातार पटना में हनुमंत कथा का पाठ चल रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जारी है। बाबा का नवतपुर के तरेत पाली मठ प्रांगण में सुंदरकांड की कथा हो रही है। ऐसे में अगर आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर दिखाएं तो बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से लेकर खूब पॉलिटिकल विवाद छिड़ा। ऐसे में पॉलिटिकल एजेंडा एक से एक बढ़कर खड़ा हुआ। बीजेपी फुल सपोर्ट में बागेश्वर धाम को लेकर नजर आई, क्योंकि अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी से लेकर दिग्गज बीजेपी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मौजूद दिखे, स्टेज साझा करते हुए दिखे। वहीं पर विपक्षियों की मार की अगर बात करें तो इस पर भी टीका टिप्पणी खूब हुई, यानी राजद की तरफ से। बिहार में प्रवेश धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी खूब विवाद छिड़ा। उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी भी आई। एक तरफ जहां उनके बड़े लाल ने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी थी कि भाईचारे पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर आज लाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को हम एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे उनका। पर वैसे भी अगर देखा जाए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में बैठे बैठे ही बागेश्वर दरबार में ओपन पर्ची लगाई है। ऐसे में पर्ची का सिलसिला थमसा गया है, क्योंकि बिहार के नवतपुर में भारी भीड़ उमड़ने के कारण, सुरक्षा की कमियों के कारण इसे रोक दिया गया है। आपको बता दें, पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से ही पटना में चल रहे कार्यक्रम बागेश्वर दरबार में ओपन पर्ची लगाई है। रोहिणी आचार्य ने विशेष राज का दर्जा मांगा है। उन्होंने कहा कि ये मांग हमारी पूरी की जाए। आपको बता दें, बिहार के पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम का आरजेडी खेमे ने खुलकर विरोध किया। बागेश्वर बाबा को लेकर नेताओं ने कई तरह के बातें कही। लालू यादव के बड़े लाल और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने उन्हें एयरपोर्ट पर घेर लेने की भी धमकी दी, तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी उन्हें जेल भेज देने की मांग कर डाली। अन्य नेताओं ने भी बाबा पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की। इस बीच लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बागेश्वर दरबार में अपनी खुली पर्ची दाखिल कर दी। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए पर्ची से एक बड़ी मांग उठाई है। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि पर्ची में रोहिणी आचार्य ने अपने लिए या लालू परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के लिए बाबा से कुछ नहीं मांगा, पूरे बिहार के लिए बाबा के सामने झोली फैलाई है, बिहार की भलाई के लिए बाबा से गुहार लगाई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पर्ची वाले बाबा से यह हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करती पूर्ति है। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ट्विटर अकाउंट पर पर्ची ऑनलाइन डालते हुए कहा कि विशेष राज्य की मांग हमारी पूरी करे बाबा। बागेश्वर धाम के प्रति रोहिणी आचार्य की आस्था उन राजनेताओं के लिए आईना है जिन्होंने उनके बारे में गलत शब्दों के प्रयोग किए हैं। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में भूत प्रेत के नाम पर हमारी माँ बहन बेटियों को नचाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग बागेश्वर सरकार के प्रचार में लगे हैं उनके घर के महिलाएं नहीं जाती है। रोहिणी आचार्य का ट्विटर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के लिए कितना मायने रखता है, इसे वही समझे तो बेहतर है। देखना है कि उनका क्या जवाब आता है। इससे पहले नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने भी बागेश्वर बाबा को ढोंगी कहा था। भाई वीरेंद्र ने भी उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं पर रोहिणी आचार्य ने बाबा से खुली पर्ची, ऑनलाइन पर्ची के जरिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग उठाई है। अब देखना होगा कि इस पर किस हद तक विवाद छिड़ता है और क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।